हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको F5 5G फ़ोन है, तो पोको F5 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्टेटस बार आइकन सेटिंग है, तो स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं पोको F5 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और स्टेटस बार आइकन्स को आप कैसे सेट कर पाएंगे स्टेटस बार आइकन्स में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप स्टेटस बार आइकन्स को शो कर सकते हैं स्टेटस बार में और कैसे आइकन्स को सेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे इस तरीके से। तो इसमें से आपको सेटिंग्स आइकन पर क्लिक कर देना, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को सेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको जाना होगा नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स पे। इस पर जाते ही आपके पास स्टेटस बार सेटिंग्स शो हो जाएगी सबसे लास्ट में, तो आपको इस पर टैप करना है। टैप करते ही यहाँ पर ये स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स आ गए, जहाँ से इनको आप सेट कर सकते हैं ना, आप शो भी कर सकते हैं। स्टेटस बार आइकन्स में आप जैसे ऑफ़ करते हैं तो कोई भी आइकन आपका स्टेटस बार पर शो नहीं करेगा, एंड आप कनेक्शन स्पीड को भी ऑफ़ कर सकते हैं, जो भी आपके रियल टाइम नेटवर्क स्पीड होती है उसको भी ऑफ़ कर सकते हैं। एंड आप बैटरी परसेंटेज को भी ऑफ़ करना चाहें, शो नहीं करना चाहें तो कर पाएंगे, या फिर इनको शो करना चाहें तो इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं, जो आइकन्स हैं स्टेटस बार के यहाँ पर शो हो जाएंगे, एंड आप कनेक्शन स्पीड भी शो कर सकते हैं। या फिर अपने फ़ोन में देख सकते हैं कि परसेंटेज को शो करना चाहते हैं तो 100% है, जो भी आप परसेंटेज को शो करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं पोको F5 5G फ़ोन में, और इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। और साथ चाहें तो आप मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क को स्विच कर सकते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने पोको फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।